नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं इतिहास का एक और पन्ना लेकर। इतिहास ने हमें बहुत कुछ दिया है, कुछ बहुत अच्छा तो कुछ बहुत बुरा। जहां अपने किस्सों से इतिहास ने हमें गौरवान्वित किया है, वहीं कुछ किस्से हमारे दिल में नासूर बनकर रह गए हैं। इतिहास ने अपने आंचल में इसी तरह के किस्से को सहेज कर रखा है, जिसे सुनते ही धमनियों में बहते रक्त की गति सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। यह घटना थी 18वीं सदी में लड़े गए सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक, पानीपत के तीसरे युद्ध की, जिसने एक दिन में हजारों योद्धाओं को काल का ग्रास बना दिया। तो आइए जानते हैं इस विनाशक युद्ध से जुड़े कुछ पहलुओं को। 18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत वर्षों से भारत की जमीन पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अब घुटनों पर आ चुका था। दूसरी तरफ मराठाओं का भगवा परचम बुलंदी पर लहर रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपूताना मालवा अथवा गुजरात के राजा मराठों के साथ मिले थे। मराठों के लगातार आक्रमणों ने मुगल बादशाहों की हालत बदतर कर दी थी। उत्तर भारत के अधिकांश इलाके जहां पहले मुगलों का शासन था, वहां अब मराठों का कब्जा हो चुका था। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर मराठा साम्राज्य को और अधिक विस्तृत कर दिया, किंतु उनकी जितनी ख्याति बढ़ी, उनके शत्रुओं की संख्या भी उतनी ही बढ़ती गई। इस बार उनका सीधा सामना अफगान नवाब अहमद शाह अब्दाली के साथ था। अब्दाली ने 1759 में पश्तून अथवा बलोच जनजातियों को एकत्रित कर सेना का संगठन किया, साथ ही पंजाब में मैराथन की छोटी छोटी टुकड़ों से लड़ते हुए विजय प्राप्त की। इसी तरह अब्दाली अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता रहा। अंततः 14 जनवरी 1761 को पानीपत में अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना व मराठों के मध्य 18वीं सदी का सबसे भयावह युद्ध लड़ा गया। सन 1707 के बाद छत्रपति शिवाजी द्वारा देखा गया संपूर्ण भारत पर मराठा साम्राज्य के आधिपत्य का स्वप्न अब पूर्ण होता प्रतीत हो रहा था। 1758 में मराठाओं ने दिल्ली सहित लाहौर पर कब्जा कर लिया तथा तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से खदेड़ दिया। अब मराठा साम्राज्य की हदें उत्तर में सिंधु एवं हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीप के निकट तक बढ़ गई थी। यह मराठों की सर्वोच्च उपलब्धि थी। उन दिनों मराठा साम्राज्य की कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। बालाजी ने अपने पुत्र विश्वासराव को मुगल सिंहासन पर बैठाने का मन बना लिया था। अभी तक नाम मात्र के लिए दिल्ली पर मुगलों का शासन था और सभी मराठों के विस्तृत होते हुए साम्राज्य को देख भयभीत थे। 1758 में पंजाब पर किए गए हमले के बाद लाहौर तक अपना कब्जा करने के बाद मराठों ने तैमूर शाह दुर्रानी को खदेड़ दिया। तैमूर शाह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। अब्दाली को यह बात नागवार गुजरी अथवा उसने भारत पर हमले का मन बना लिया। सबसे पहले उसने पंजाब के उन जगहों पर हमला किया जहां मराठा फौजें कम संख्या में थी। उसके बाद वो अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा। समय के साथ मुगल शासक दो भागों में बट गए थे, एक वो जो भारतीय मुस्लिम थे अथवा एक वो जो बाहर से आकर यहां शासन कर रहे थे। मराठा भारतीय मूल के मुसलमानों के पक्ष में थे। अब बाहरी मुसलमान शासक किसी विदेश सहायता की प्रतीक्षा में थे, जो उन्हें अहमद शाह अब्दाली के रूप में प्राप्त हुई। अहमद शाह ने पंजाब, कश्मीर अथवा मुल्तान पर कब्जा जमाने के बाद दिल्ली की राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाई। मराठा द्वारा अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाना इतिहास में एक निर्णायक घटना बन गई। मराठों ने न केवल अब्दाली को पराजित करने की योजना बनाई थी, अपितु उन्होंने बंगाल जाकर बढ़ती जा रही ब्रिटिश ताकतों को रोकने का भी मन बना लिया था। अगर यह संभव हो पाता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत उसके उदय से पूर्व ही संभव था, किंतु अपनी ही कुछ कमियों के कारण मराठा अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते जा रहे थे। कहने के लिए कुछ मुगल शासक मराठों के साथ थे, किंतु उनकी वफादारी हमेशा संदेहपूर्ण थी। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी के समय मराठों के राजपूतों से बहुत घनिष्ठ संबंध थे, किंतु 1750 के बाद मराठा राजपूतों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करके किसी एक का पक्ष लेने लगे।
तथा इस तरह उन्हें दूसरे पक्ष की नाराजगी झेलनी पड़ी। राजा सूरजमल मराठों के कट्टर समर्थक, किंतु जब उन्होंने दिल्ली का गवर्नर बनने की इच्छा जाहिर की तब मराठों ने उन्हें छोड़ सुजाउद्दौला को चुन लिया। इस कारण राजा सूरजमल का मोह भंग हो गया। सुजाउद्दौला का पक्ष लेने के मराठों के पास दो कारण थे। पहला यह कि उनके पास 50,000 अश्वरोहियों की मजबूत सेना थी। दूसरा यह कि सुजाउद्दौला शिया मुस्लिम थे, वे अफगानी सुन्नियों के पक्ष में कभी नहीं जा सकते थे। हालांकि मराठों का अनुमान उस समय गलत साबित हुआ जब अब्दाली के इस्लामिक एकता की बात से सहमत होकर सुजाउद्दौला उसके पक्ष में हो गए। 14 अप्रैल 1760 को मराठा सेना भाऊ सदाशिवराव के नेतृत्व में पुणे से दिल्ली की ओर प्रस्थान हुई। यहां से प्रस्थान करते समय मराठा सैन्यबल में 50,000 पैदल सैनिक थे। आगे के सफर में जैसे जैसे मराठों को अपनी सहायकों की मदद मिली वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती गई। महेंद्रे, शमशेर बहुर, विचुरकर, पवार, बड़ौदा के गायकवाड़ और मानकेश्वर जैसी अनुभवी सेनाओं ने मराठों की ताकत को दुगना कर दिया। इब्राहिम खान गर्दी का भी मराठों की ओर से इस युद्ध में विशेष योगदान रहा। गर्दी के फ्रांस में निर्मित राइफलों के साथ 8,000 सैनिक जो फ्रांसीसी प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित थे वे मराठों के साथ आ मिले। गर्दी के पास 200 उत्कृष्ट बंदूकें तथा युद्ध तोपें भी थी जिनका उन दिनों विशेष महत्व था। मई और जून के बीच जब मराठा आगरा पहुंचे तब मल्हार राव होलकर तथा जुनकोजी सिंधिया भी अपनी सेनाओं के साथ मराठा सेना में शामिल हो गए। इसी कड़ी में मराठा सेना जब दिल्ली पहुंची तब उनकी सैन्य शक्ति 2,00,000 थी। मुगल सम्राट मराठों की सहायता के लिए संधिबद्ध थे। दूसरी तरफ दिल्ली में मराठों के बहुत कम शुभचिंतक थे। असल में वे मराठों के बढ़ते वर्चस्व से खुश नहीं थे। इसका फायदा उठाते हुए नजीब खान जैसे बादशाहों ने तो अब्दाली को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। 1739 में मुगल नेताओं द्वारा नादिर शाह को इसी तरह आमंत्रित किया गया था, किंतु नादिर शाह ने भारत को लूटते वक्त हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया था। साथ ही मुगल सम्राट का मयूर मुकुट अथवा कोहिनूर हीरे सहित लगभग 100 करोड़ की संपत्ति भारत से लूट कर ले गया था। दिलचस्प बात तो यह थी कि अब्दाली ने केवल लूट के मंसूबे के साथ भारत में कदम नहीं रखे थे अपितु उसका सपना दिल्ली के सिंहासन को मुगलों के हाथों से छीनना था। इसी के तहत उसने उत्तरी दिल्ली में बसे हुए अफगानियों को अपनी तरफ कर लिया जो कि इस युद्ध में फायदेमंद साबित हुआ। 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई। उसके बाद रण में शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। इब्राहिम गर्दी की विशेष बंदूकों अथवा तोपों ने रणभूमि में हाहाकार मचा दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठा आज नया इतिहास लिखेंगे, किंतु शाम होते होते युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों पक्षों के लगभग 40,000 सैनिक काल के ग्रास बन चुके थे। पेशवा के पुत्र भाऊ विश्वासराव, जसवंतराव पवार तथा तुकोजी सिंधिया सहित कितने योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। इस युद्ध के विनाश का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिनका कम से कम एक सगा संबंधी इस युद्ध में मारा न गया हो। मराठों की ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं अपितु आम नागरिक भी थे जो सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठों की हार के बाद अब्दाली ने अपनी सेना के साथ इन नागरिकों को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुरुषों को मार दिया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों को गुलाम बना लिया गया। अगर आप सोचते हैं कि अब्दाली की सेना ने मराठों को परास्त किया तो आपका ऐसा सोचना पूर्ण रूप से सही नहीं है। मराठों को अब्दाली की सेना ने नहीं अपितु उनकी सेना के प्रबंधन और ठंड ने हराया। मराठा सेना युद्ध स्थल के मौसम से अनजान थी तथा पतली धोती और कुर्ता पहनकर हथियारों के साथ जंग के मैदान में कूद पड़ी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सर्दी से उनकी हालत पस्त हो गई। जबकि अब्दाली को इस मौसम का पूरा ज्ञान था, उसने अपनी सेना को मौसम के अनुकूल पोशाक पहनाकर युद्ध में उतारा था। दूसरी तरफ सदाशिव भाव की भावुकता ने मराठों की पराजय पहले ही सुनिश्चित कर दी थी। हुआ यूं था कि युद्ध के मैदान में विश्वासराव भाऊ को गोली लग गई। विश्वासराव भाऊ सदाशिवराव को अत्यंत प्रिय थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सदाशिवराव बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर विश्वासराव के पास चले गए।
इधर सदाशिवराव भाऊ को हाथी पर न पाकर मराठा सेना भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि भाऊ वीरगति को प्राप्त हो गए। परिणाम स्वरूप हार की ओर बढ़ती अब्दाले की सेना में नया जोश आ गया और वो फिर से उठ खड़े हुए। इस युद्ध में एक दिन में तकरीबन 40,000 योद्धा मारे गए, जो किसी भी सामान्य युद्ध में मरने वाले योद्धाओं की संख्या से बहुत ज्यादा थे। भारत की दुर्गति का हमेशा से यही कारण रहा है कि यहां राजाओं अथवा बादशाहों ने अपना अपना फायदा सोचा तथा बाहरी दुश्मनों को पनाह दी। इसके विपरीत अगर शुरुआत से सभी एकजुट होकर लड़ते तो शायद आज हमारा देश सबसे शक्तिशाली होता। और यह सोने की चिड़िया, जो आज सिर्फ कहने के लिए सोने की चिड़िया है, हकीकत में सोने की चिड़िया होती। दौर कोई भी हो, लेकिन हमारे देश पर राजनीति हमेशा हावी रही है, चाहे यह 18वीं शताब्दी रही हो या फिर 21वीं। पानीपत की लड़ाई और उसके परिणाम से हम यह निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कथन है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूं यह ऐतिहासिक पन्ना आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।